सुबह सुबह देवास पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास दो बसें दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार बसें नगर निगम और बस स्टैंड की ओर से आ रही थी। इस दौरान एक बस में कुछ खराबी आ गई और वह अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार एक बस के ड्राइवर की नाक में चोट आई है। विश्वास बस का ड्राइवर नशा करता था। सुबह सुबह नशे की धुन में गाड़ी को बस स्टैंड की ओर ले जा रहा था। गाड़ी की स्पीड कितनी थी, मेन रोड पर डिवाइडर तोड़कर दूसरी ओर गाड़ी घुस गई। सामने से आई बस उसको भी नुकसान हुआ। बस में कोई यात्री सवार नहीं थे। एक बस विश्वास ट्रेवल और अन्य बस एक कॉलेज की बस बताई जा रही है। बस के नंबर क्रमशः MP 13P0950 और MP 13P1510 हैं। फिलहाल मामले में दुर्घटना के पुष्टि कारणों की जानकारी सामने नहीं आई है। गनीमत रही बसों में यात्री नहीं थे, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। ड्राइवर नीरज पंडित, उम्र 30 वर्ष, पिता का नाम श्याम, निवासी उज्जैन रोड रानीबाग। विश्वास बस का एक हेल्पर को भी कुछ चोटें आई हैं। हेल्पर का नाम भाव साहब बताया जा रहा है। देवास से रमजान खान की रिपोर्ट। आया का ड्राइवर को बहुत ज़्यादा गंभीर चोट है। ये अभी ड्राइवर को नाक से खून हल्का निकल रहा था, हमने उसको अस्पताल पहुंचा दिया। सर सुनने में ये भी आया है कि ड्राइवर बहुत ज़्यादा नशे पत्ते करता था, खूब ज़्यादा स्पीड पे चलता था। तो अब मेडिकल के बाद ही पता लग पाएगा, अभी तत्काल में तो हमने चोट किया है। सर डिवाइडर पूरा तोड़ के ही कोई सवारी नहीं दी, कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं, खाली थी गाड़ी। ठीक, थैंक यू।